डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्टशीट के बारे में देखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 4। और दी फॉलोइंग हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन है। दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर भगवान दास फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल्स दे रखा है। हम एक साल के लिए बनाएंगे, ईयर एंडिंग 2017 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के टाइम पे ओपनिंग स्टॉक, आड़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, आड़ कैरियज इनवर्ड, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके साथ हम क्या करेंगे ना, इसके साथ ये प्रोडक्शन वेजेस, ये जो आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट वेजेस, इसको ऐड करेंगे। दिस इज ये जो प्रोडक्शन वेजेस, यू कैन सी दिस, मैं टिक लगा रहा हूँ प्रोडक्शन वेजेस। और इसको ऐड करने के बाद आपके प्राइम कॉस्ट निकलेगा। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड से आप देखो, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी जो डिजाइन वगैरह ड्रॉ होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी। और इसके साथ ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी के साथ, तो इसके बाद हमारा, आप लोगों को मैंने बताया, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी जो डिजाइन ड्रॉ होता है ना, वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवरहेड्स होता है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या हो सकता है, उसमें आता है रिपेयर सब प्लांट मशीनरी एंड टूल्स, प्लांट मशीनरी एंड टूल्स फैक्ट्री के अंदर होता है, ये फैक्ट्री ओवरहेड होगा। और आपके रेंट रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस जो फैक्ट्री का है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा। और इसके साथ प्रोडक्शन वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन रिटेन ऑफ ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री के अंदर होता है, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। और इसके बाद इसको ऐड करने के बाद आपके फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। इस पेज में जो जो चीजें हैं मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। काउंटिंग ऑफ सैलरीज, प्रोडक्शन के बाद चीजें जब पैकिंग होता है, काउंट होता है, तो उसको ऑफिस स्टाफ करते हैं, तो काउंटिंग ऑफ सैलरी उधर आएगा। ये कैरियज आउटवर्ड आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज का होता है आजकल का कॉन्सेप्ट। कैश डिस्काउंट अलाउड, ये कहीं नहीं आएगा, मैंने इसको रेड इंक में लिखा हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कैश डिस्काउंट इज द वर्क ऑफ कैश डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का इसका कोई काम नहीं है। और बैड डेट रिटेन ऑफ इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और ये आपके रेंट रेट्स टैक्सेस, ये आपके ऑफिस ओवरहेड्स होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके होता है सेल्स, मतलब सेल्स एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होता है। ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, यूजुअली फर्नीचर ऑफिस के अंदर होता है, ऐसे खाली फर्नीचर लिखा हुआ है तो ऑफिस का ही होगा, ये फैक्ट्री में यूजुअली फर्नीचर होता नहीं है। और डायरेक्टर्स फीस भी ऑफिस ओवरहेड्स होता है, ये मेरा फर्स्ट पेज क्वेश्चन का है, मैंने इसको कर लिया। देन हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ये क्वेश्चन समझो, गैस एंड वाटर चार्जेस, ये फैक्ट्री का है, गैस वाटर चार्जेस ये फैक्ट्री का होता है, 1700 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड। और ये ऑफिस ओवरहेड, गैस वाटर चार्जेस ऑफिस के यूज में होता है। और जनरल चार्जेस होता है जनरल ओवरहेड में, जनरल चार्जेस होता है जनरल ओवरहेड में, हमारा जनरली जो ऑफिस का खर्चा होता है हम उसको जनरल ओवरहेड्स बोलते हैं, दिस इज आवर जनरल ओवरहेड्स। और मैनेजर सैलरी, जो मैनेजर का जो सैलरी होता है वो फैक्ट्री एंड ऑफिस का होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इधर लिखा हुआ है, देखो मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ाता हूँ। आउट ऑफ अ 48 आवर्स वर्किंग वीक, द टाइम डेवोटेड बाय द मैनेजर टू द फैक्ट्री एंड ऑफिस फैक्ट्री एंड ऑफिस इज लाइक दिस, वॉज 40 आवर्स, ये जो फैक्ट्री एंड ऑफिस का वॉज 40 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर। तो 40 घंटे फैक्ट्री में और 8 घंटे ऑफिस में, तो 40 बाई 48 24,000 रुपये का होगा फैक्ट्री ओवरहेड, और 8 बाई 48 होगा ऑफिस ओवरहेड। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको निकालना क्या क्या है ना, जो जो निकालना है, प्राइम कॉस्ट आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में प्राइम कॉस्ट आ जाएगा आपके, दिस इज फैक्ट, आपके जो प्राइम कॉस्ट होता है वो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके आएगा, दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड, जो ये भी निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड को खाली ऐड कर दो।
और एंड द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड प्रोडक्शन वेजेस, ये जो पोर्शन है इसके लिए आपको क्वेश्चन के बाद, कॉस्ट शीट के बाद निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑन प्रोडक्शन वेजेस, ऑन मतलब डिनोमिनेटर में आएगा प्रोडक्शन वेजेस इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट आपको प्राइम कॉस्ट के साथ अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस सी पार्ट का आंसर, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। देन ऑफिस ओवरहेड्स एंड द परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड ऑफिस का जो खर्चा होता है, तो ऑफिस ओवरहेड आपके फैक्ट्री कॉस्ट के साथ, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ अगर सारे ऑफिस ओवरहेड को हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी गेटिंग ऑफिस ओवरहेड्स, ये हो गया आपके। एंड द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट, ये वाला ऑफिस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई फैक्ट्री कॉस्ट विल बी, दिस इज द परसेंटेज, ये आ जाएगा इसका। और टोटल कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग सेल्स, तो टोटल कॉस्ट ही आ जाएगा। इसके बाद हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। मैंने इसको ना कर दिया, कुछ बच्चों को जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया वो वीडियो को इसी पेज में पॉज करके इसको कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले पेज में समझा दूंगा, एक एक करके, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट पेज सॉल्यूशन का है। नेक्स्ट होता है सेकंड पेज, ये है, और मैंने इसमें रेड मार्क, रेड इंक में लिखा है जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है, बच्चा कंफ्यूज होगा। यू कैन सी दिस, यहाँ पे आप ड्राइंग ऑफिस सैलरीज जो कि आपके फैक्ट्री के अंदर खर्चा होता है डिजाइनिंग के लिए, और यहाँ काउंटिंग हाउस सैलरीज जो कि काउंट करने के लिए सामान ऑफिस वाले का होता है ये, और बैड डेट रिटन ऑफ, ये भी सेल्स स्टाफ के खर्चा होता है। ऑफिस के कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं कि ऑफिस का होना चाहिए, बट ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से, सेल्स स्टाफ ऐसे बंदे को इसको बिकवाना चाहिए कि जिसे वो कवर अप हो जाए, पैसे वापस आ जाए। तो टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, और ये दो पेज के बाद ये तीसरी पेज होगा सोल्यूशन का, जो प्राइम कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि भाई हमें ये कितने कितने आएगा, दिस ये प्राइम कॉस्ट का हो गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का ये वाला हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स, एंड द परसेंटेज ऑफ वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका नीचे मैंने इसको कर दिया बी पार्ट का, सी पार्ट का फैक्ट्री कॉस्ट ये हो गया, एंड द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट ये हो गया, इतने परसेंटेज हो गया, और टोटल कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ये निकाला। ये कैसे निकाला मैं आपको एक एक करके, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक एक करके देख सकते हो, अब कम टाइम में कर लोगे। जिसको जो जिन्होंने बोला कि भाई मेरे को सोल्यूशन चाहिए, इसको वीडियो को इसी पेज में पॉज करो और देखो, खुद समझो, नहीं समझ में आए कैन गो फॉर द नेक्स्ट। ये आंसर फॉर ए कॉस्ट शीट ऑफ मिस्टर भगवान दास फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कॉस्ट शीट तीन कॉलम का होता है, दैट इज पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट विथ रूपीस। और इसके बाद नेक्स्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन 31 मार्च 2017। हमारा जो ईयर है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक आ रहे, ऊपर हमारा 2018 दे रखा है, ये वाला 2018 दे रखा है, तो व्हाट इज टू बी डन देन। हम 2017 का क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक के साथ हम ऐड करेंगे ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स या मटेरियल्स परचेज्ड। तो वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का फोटो खींचो या इसके कॉपी में नोट करो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, तो इसके बाद देखो कैसे मैं समझाता हूँ आपको। देन कैरिज इनवर्ड्स, कैरिज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, खाली फ्रेट, खाली कार्टेज। तो कैरिज होता है मशीन ड्रिवन व्हीकल से सामान मंगाते हैं, जैसे ट्रक में, प्लेन में, ट्रेन में कैरिज। कार्टेज होता है बैलगाड़ी, कोई भी कार्टेज, कोई भी मतलब गाड़ी गाड़ी घोड़े में मंगाते हैं, दैट इज कार्टेज। और स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल्स ऑन 31 मार्च, ये होता है इसी साल का एंड का। तो ये देखो, ये तीनों को ऐड करना है आपका, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैंने ये सब ऐड करके इससे अगर क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया तो हमारा मेटेरियल का खर्चा निकल जाएगा इतना, दिस इज 226, 226 फॉर ये वाला मेटेरियल का खर्चा। और जो डायरेक्ट वेजेस आएगा ये सीधा नीचे वाले कॉलम यहाँ इधर आ गया, तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे यू विल बी गेटिंग प्राइम प्राइम कॉस्ट आ गया 408 800। ये प्राइम कॉस्ट हमारा एक पार्ट का आंसर आ गया। इसको जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसको दोबारा लिख देना, क्लैरिटी के लिए, अच्छे नंबर के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखना है।
योर प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन से। यू कैन सी ड्रॉइंग ऑफ हिज सैलरी, टायर्स ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल, देन रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ गैस वाटर चार्जेस ऑफ अ फैक्ट्री, एनीथिंग रिलेटिंग टू फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। देन मैनेजर सैलरी 24,000 मैनेजर का सैलरी है, 48 घंटे मैनेजर एक मतलब काम करता है। तो 48 घंटे में पूरे साल के लिए नहीं, ये के वीक के लिए रखा है 40 से 48 आवर्स, तो पूरे साल का सैलरी इसका 24,000। तो पूरे साल का इसी रेशियो में बांट सकते हैं, 40 बाय 48 आपके ऑफिस ओवरहेड है और 8 बाय 48 होगा सेलिंग एंड ऑफिस ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड से होगा 40 बाय 48। तो ये आपके जो 20,000 आ गया, ये यहाँ पे तो आपने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेट करो बट लिखो इसको फाइनल कॉलम में यहाँ पे। और इसके अलावा नेक्स्ट होता है आपके डेप्रिसिएशन रिटेन ऑफ ऑन मशीन प्लांट एंड टूल्स, इसका जो डेप्रिसिएशन ये भी फाइनल कॉलम में डालो। देन यू सी फैक्ट्री और प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना था मैंने करा नहीं, अभी कर देता हूँ। देखो इसको ऐड करेंगे, ऐड करके इसका जो टोटलिंग है यहाँ लिख देंगे, दिस इज फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये खाली ओवरहेड्स आया, यहाँ पे हम जो निकाल रहे थे ये जो चीजें है ये हमारा बी पार्ट में चाहिए था, इसको यहाँ पे हमने निकाल दी, दिस इज द फैक्ट्री और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आपके प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री और प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड ऐड करने में हमारा आएगा विल बी फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट इधर आएगा, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट इधर आएगा, ये दोनों को ऐड करके दिस एंड दिस। तो ये भी हमारा सी पार्ट में आंसर में पूछा है, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट, वो भी आ गया, हमारा ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। इसको नीचे आंसर के बाद लिख देंगे क्लैरिटी के लिए। फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करेंगे, दैट विल बी लाइक दिस, रेंट रेट टैक्सेस ऑफ ऑफिस, एनीथिंग पर्टेनिंग टू ऑफिस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन रिटेन ऑफ ऑन फर्नीचर, डायरेक्टर्स फीस, जनरल चार्जेस, मैनेजर सैलरी 40 बाय 48 फैक्ट्री का था, 8 बाय 48 ऑफिस का है 4,000। देन काउंटिंग हाउस सैलरी 12,000, काउंटिंग हाउस सैलरी 12,000, तो टोटल जो हो गया 30,100 डी पार्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, ये ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करके हम फाइनल कॉलम में लिखेंगे 30,100। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल बी लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट होगा हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्लस आपके जो फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट, ये दोनों को ऐड करके इतना हो जाएगा। इसके बाद इसके साथ हमें हमें दो आंसर चाहिए था, एक्चुअली हमें चाहिए था ऑफिस ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो इस पार्ट पे निकला। ये जो सारे चीजें को ऐड करके ये होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, दिस वन, ये निकला आंसर। और इसको हम अगर हमारा नेक्स्ट पेज से जो कंटिन्यूएशन में जो आंसर आ रहा है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ये 30,100 को और दोबारा ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 496,400, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट हो गया दिस वन। इसके साथ हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हो गया आपके कैरियज आउटवर्ड्स, आजकल जो चलता है फ्री होम डिलीवरी, घर पे सामान पहुंचाओ फ्री में, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया 9,100। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो सेल्समैन वगैरह होते हैं या बाहर आते जाते रहते हैं, वो सेल्स स्टाफ के यूजुअली होता है खर्चा, इसका मतलब नहीं कि ऑफिस वाले भी ट्रैवल नहीं करते, और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उसको आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में लोगे, साथ में आपके ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन वो भी आएगा। देन बैड डेट रिटेन ऑफ, ये बैड डेट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये दो ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है आपके, ये जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल तो हर स्टाफ करते हैं, फैक्ट्री स्टाफ करते हैं, ऑफिस स्टाफ करते हैं, बट यूजुअली सेल्स स्टाफ करते हैं क्योंकि कुछ बताया नहीं है। और ये जो है आपके बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये भी चाहिए। तो इसका जो टोटलिंग है आपको इसको अंदर हमेशा जहां पे जिस चीज को मैंने जहां लिखा है आप वहीं पे लिखो और इसको फाइनल कॉलम यहाँ लिख दो। तो दिस यू विल बी गेटिंग टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और इसको ये जो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये जो अगर आप ये 496,400 के साथ ऐड करोगे, यू विल बी फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहाँ पे देखो टोटल, ये भी पूछा है आंसर में, यू गॉट दिस, तो ये हो गया। अभी ये जो एबीसीडी उसको हम पीछे लिख, प्राइम कॉस्ट आ गया 4,08,800 ए पार्ट से, अभी ऑलरेडी आ रखा है तो उतार दो, फिर एक लाइन छोड़ के अच्छे नीटनेस के लिए लिखो फैक्ट्री ओवरहेड से, वो भी आ रखा है 57,500 टोटलिंग अप फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन प्रोडक्शन वेजेस, प्रोडक्शन वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड अपन प्रोडक्शन वेजेस, देखो मैंने कैसे लिखा, इंटू 100, ये फॉर्मूला डाल दो, क्योंकि ऑन प्रोडक्शन वेजेस तो प्रोडक्शन वेजेस नीचे रखो, फैक्ट्री ओवरहेड से ऊपर लिखो, इंटू 100 करो, वैल्यू 57,500 अपन 182,400 इंटू 100, ये 30.52%। देन सी पार्ट, फैक्ट्री कॉस्ट 466,300, ये फैक्ट्री कॉस्ट होता है आपके प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गया आपके। देन नेक्स्ट वन इज ऑफिस ओवरहेड 31,100, ये भी आ गया, ए बी सी के बाद डी आ गया। तो फिर परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, न्यूमरेटर में ऑफिस ओवरहेड, डिनोमिनेटर में फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, इसी से ऑन ऑन जो यहाँ पे है ना ऑन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऑन फैक्ट्री कॉस्ट डिनोमिनेटर में आ गया, देखो यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्मूला है, और न्यूमरेटर में ये ऑफिस ओवरहेड, यहाँ से ये देखो ऑफिस ओवरहेड यहाँ से आ गया, ये देखो मैंने इसको आरो बना देता हूँ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ये आरो हो गया। और लाइक वाइज ये यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर जो बी पार्ट में था आपके, देखो फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखो ये फैक्ट्री ओवरहेड जो बी पार्ट में था उसको मैंने वो न्यूमरेटर में लिखा। यू नीड नॉट हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, इसको आप ऐसे कर सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड अपन प्रोडक्शन वेजेस, ये प्रोडक्शन वेजेस ये है, ये प्रोडक्शन वेजेस को इसको डेनोमिनेटर में लिखो, इंटू 100 मल्टीप्लाई करो, गट इन परसेंटेज वैल्यू पुट करो, आ गया आंसर, कॉस्ट शीट देखा वैल्यू पुट करो आंसर आ गया। तो इसके बाद न्यूमरेटर में लिखो ऑफिस ओवरहेड 30,100, जो कि आपका यहाँ पे मैंने बताया, और यू कैन सर्च फॉर द कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट में आप देखोगे ये भी उधर से आ जाएगा दिस वन, और ये फैक्ट्री कॉस्ट तो ऑलरेडी आ रखा है, और अदरवाइज ऐसे भी देखो यहाँ से ये फैक्ट्री कॉस्ट, यू कैन सी दिस, तो यू कैन नाउ गेट थ्रू द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर भी आपका आ गया, तो इंटू 100 करो, और वो आ गया 4.46%। और लास्ट में टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो पूरे कॉस्ट ऑफ सेल्स को टोटल कॉस्ट हो, 5,13,800 पूरा आ गया। मैंने आपको अगर अच्छा पढ़ाया तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करने से ज्यादा आपके फ्रेंड्स और आपको एक्वेंटेंसेस जिनको चाहिए ये वो सब पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, पढ़ने में हेल्प करिए, ये चीजें आपके सीए सीएस एमबीए बीकॉम बीबीए बीसीए सब में जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, दिस इज एन कॉस्ट शीट आपके लिए हेल्प करेगा। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और पढ़ो और पढ़ाओ और पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडिंग।